हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अनक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम ना 10वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करेंगे, यहाँ पे 86 नंबर का, जो कि द्विघात समीकरण पर आधारित है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक केले की आकृति दिखाई हुई है और ये जो केले का आकार है आपको यहाँ पे परवलय वक्र का आभास कराता है। निम्न आकृति में एक ग्राफ पर केले की परवलय वक्र के रूप में दर्शाया गया है और इसको हम इसी आकृति को द्विघात समीकरण की तरह प्रयोग करके हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, जिसमें पूछा है कि केले के वक्र का समीकरण क्या है। तो बच्चों, अब आपको यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि ये जो है परवलय वक्र है। ठीक है, परवलय वक्र इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप यहाँ पर चर राशि यूज़ कर रहे हो उसका जो अधिकतम घात है वो 2 होगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण होगा। ठीक है, और अगर ये द्विघातीय समीकरण होता है तो इसका मानक रूप क्या है। तो दूसरे प्रश्न में हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें हमें सी और डी ऑप्शन जो है वो एक जैसा देखने को मिलता है, लेकिन डी ऑप्शन में ए की जो मान है वो 0 के बराबर है। बच्चों, अगर ए का मान 0 के बराबर होगा तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए इसमें कन्फ्यूज मत होना, सी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि जब आपके यहाँ पर अधिकतम घात 2 होगी तभी तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, हर द्विघात समीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा कितने मूल होंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 ही मूल होंगे। चौथा प्रश्न, केले का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो हम देख रहे हैं कि केले जो है इसका ग्राफ यहाँ पर सिर्फ इसी बिंदु पर स्पर्श करता है जहाँ पर एक्स का मान हमारे पास 2 है और वाई का मान कितना है, 0 है, यानी कि ये एक बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श करता है, केवल एक पर। पांचवा प्रश्न है, केले के ग्राफ के द्विघात समीकरण के लिए विविक्ति कर का क्या मान है। अब बच्चों देखो, ये हमारे पास द्विघात समीकरण होनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 2 मान आने चाहिए थे, लेकिन हमारा जो केले का जो वक्र है वो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब कि जो 2 मूल है वो दोनों के दोनों कैसे हैं, यहाँ पे समान है। ठीक है, और जब हमारे पास यहाँ पे समान मूल हो जाते हैं तो यहाँ पर जो विविक्ति कर है यानी कि डी, उसका मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विविक्ति कर जो है उसके यहाँ पर अलग अलग स्थितियाँ हमें दी हुई है। तो पहली स्थिति हम लेते हैं पहले प्रश्न की, निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो बच्चों, 2 मूल होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप ना x का मान 2 रख कर देखो, और x का मान 2 आप a b c d चारों ऑप्शन में रख के देखो, फिर आप देखो कि कहाँ पर आपका जो बाया पक्ष है ना वो 0 के बराबर आता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पहले a में करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। ठीक है, आप यहाँ पर x का मान 2 रखिए, तो आपने ये लिखा यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना 2 प्लस में 5, तो 2 का वर्ग तो हो गया 4, माइनस 4 दुनी 8 प्लस 5 हो गए, 5 और 4 आपने जोड़ा तो 9 माइनस 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1, लेकिन ये मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये 0 के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है इसका मूल नहीं है। ऐसे ही अगर हम बी ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग प्लस में 3 गुना 2 माइनस में 12 होना चाहिए, तो 2 का वर्ग किया 4 और फिर 3 दुनी 6 माइनस में 12, 4 और 6 10 हो गया, 10 माइनस 12 हो गया माइनस 2, तो बच्चों ये भी 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगर अब हम सी ऑप्शन में देखें तो सी में हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो x की जगह हमने ये 2 रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 गुना 2 किया प्लस में 6, आप इसको हल कीजिए तो 2 का वर्ग तो हो गया 4, 4 दुनी 8 हो गए, माइनस 7 दुनी 14 प्लस में 6 हो गए, 8 और 6 14 माइनस 14, तो 14 में से 14 आया तो हमें 0 मिला। अब आप देखो यहाँ पर भी यहाँ पे दाएं पक्ष में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कैसे होते हैं। बच्चों, जब 0 से बड़ा होता है ना तो वास्तविक मूल होते हैं और कैसा होता है, भिन्न मूल होते हैं। ठीक है, बड़ा है तो भिन्न और वास्तविक। तीसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 बराबर 0, इसके आपको मूल बताने हैं कैसे हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में तीसरे में यहाँ पे हमारे पास a का मान तो 2 है, b का मान हमारे पास है माइनस में रूट 5 और c का मान है 1, तो हम यहाँ पर विविक्ति कर ज्ञात करते हैं तो d बराबर में b स्क्वायर माइनस में 4ac है। ठीक है, b का मान हमारे पास माइनस में रूट 5 और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में 4, a का मान है 2 और c का मान है 1,
तो यहाँ पे माइनस रूट पाँच का वर्ग हो जाता है 5, माइनस 4 दुनी 8 हो गया, 5 में से 8 गए तो माइनस 3। अब माइनस 3 जो है बच्चों वो 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो जब 0 से छोटा होता है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न आपको यहाँ पर ये बताना है k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो चौथे प्रश्न में अगर हम इस समीकरण को देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमें a का मान 2 मिलता है, b का मान मिलता है माइनस k और c का मान मिलता है k। अब आपसे कहा है कि मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो जब आपके मूल यहाँ पे बराबर यानी कि समान चाहिए तो उस समय में d का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। तो b का मान रख दीजिए माइनस के, इसका वर्ग कर दीजिए, फिर माइनस 4 a का वर्ग, a की जगह आपने लिखा 2 और c की जगह आपने लिखा k और बराबर कर दिया 0 के, ठीक है। इसको अगर अब हम आगे हल करते हैं तो यहाँ पे माइनस k का वर्ग हमें मिलता है k स्क्वायर माइनस 4 दुनी 8 k बराबर 0। k कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास k माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास k का मान भी 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर हम देख सकते हैं कि k माइनस 8 हमारे पास 0 के बराबर है। तो k का मान भी किसके बराबर होगा, 8 के। तो k का मान 0 या 8, ये हमारा उत्तर होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो d ऑप्शन में हमें 0 और 8 दोनों मिलते हैं, तो वो हमारा उत्तर हो गया है। पाँचवा प्रश्न देखिए, द्विघात समीकरण दी हुई है और इसका विविक्तिकर पूछा है। विविक्तिकर यानी कि d का मान जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि b ऑप्शन। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।